आज के इस कक्षा में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। इसका मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, 15,934, इसे प्रसारित रूप में लिखना है, बराबर 1 गुना। ये किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें स्थान पर यह है और इसका स्थानीय मान 10,000 है, इसलिए इसे हम 10,000 से गुना करेंगे। जोड़, अब ये 5, इस 5 का स्थानीय मान क्या है? 5,000, तो इसे हम 5 गुना 1,000 लिख सकते हैं। ये 900वें स्थान पर है, इसलिए 9 गुना 100, और ये 3 दहाई स्थान पर है, इसलिए 3 गुना 10, और ये इकाई है, 4 गुना 1, चूंकि इकाई स्थान पर है, 1 गुना, इसमें कितने शून्य है? 4 शून्य है, इसलिए इसे हम लिखेंगे 10^4। इसे हम लिखेंगे 5 गुना 10^3, और यहां 10^2, 3 गुना, यहां 10 का कोई घात नहीं है, अर्थात ये 1 है, 10^1। जोड़, 4 गुना, ये 1 है, अर्थात 10^0, क्योंकि 10^0 करने से इसका मान 1 आता है। तो ये हमारा 15,934 का प्रसारित रूप है। ठीक इसी तरह से हम अन्य संख्याओं का भी प्रसारित रूप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न संख्या 1 में प्रसारित रूप में लिखा था, ये उसके ठीक उल्टी प्रक्रिया होगी। इसे ये प्रसारित रूप में दिया हुआ है, इसके लिए हमें संख्या लिखना है। तो आइए मैं इसका पहला प्रश्न ले रहा हूं। पहला प्रश्न है, 7 गुना 10^4 जोड़ 3 गुना 10^3 जोड़ 8 गुना 10^2 जोड़ 3 गुना 10^1 जोड़ 2 गुना 10^0। 10^4 है, यानी 1 पर 4 शून्य। यहां 1 पर 3 शून्य, और यहां 10^2 है, तो 1 पर 2 शून्य, और ये 10^1 यानी 10, 2 गुना 10^0 अर्थात 1। तो ये हमारा हो गया 7 पर 4 शून्य, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000। जोड़, ये 3,000, जोड़ 800, जोड़ 30, जोड़ 2, 2 एका 2। अब इन सबों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 71,000, 10,000, 73,832। ठीक इसी तरह से इसके अन्य प्रश्नों को, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा को भी हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मैं इसका पहला प्रश्न ले रहा हूं, 7,867.9। हम जानते हैं मानक रूप में 1 से लेके 10 के बीच का दशमलव अंक संख्या होता है और 10 का घात होता है। तो इसे हम 1 से, इस संख्या को पहले हम 1 से 10 के बीच के दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे।
तो ये हमारा होगा 7.8679। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव को कितने अंक हम बाईं ओर ले गए हैं, 1, 2, 3 यहां पर आ गया है, तो अर्थात यहां 1 पर 3 शून्य हो जाएगा, अर्थात ये क्या होगा 7.8679 और 10 का घात 3। तो ये इसका मानक रूप हो गया है। ठीक इसी तरह से अन्य संख्याओं का भी मानक रूप हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। यहां है ग्रहों के नाम और उनका द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हुआ है लगभग में। तो पहला हम देख रहे हैं बुध, यहां 33 है और 33 के बाद कितने शून्य हैं आप गिने, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 21 शून्य हो गए, 22 शून्य, सॉरी 22 शून्य हो गए, और हमें 3 के बाद यहां दशमलव डालना है, तो फिर यहां से गिनेंगे तो ये 23 हो जाएंगे। तो 3.3 × 10³³ के ये इसका मानक रूप होगा। ठीक इसी तरह से हम इन बाकी जो ग्रह हैं उनके द्रव्यमान को मानक रूप में इस तरह से लिखते हैं किलोग्राम में। मानक रूप में लिखने का हमने इससे पूर्व पहले प्रश्न में ही पहले नहीं सॉरी तीसरे प्रश्न में हम सीख चुके हैं। अब इसे फिर हमें अवरोही क्रम में भी लिखना है। तो देखिए हमने अवरोही क्रम में लिखा है, यहाँ है 1.9 × अवरोही का मतलब घटते क्रम। तो यहाँ दो चीज हम देख रहे हैं, पहला 10 का घात देखेंगे, तो 10 का घात सबसे ज्यादा यहाँ पर 27 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसके बाद 10 का घात 2, 2 जगह 26 आ रहा है, एक इसमें 26 आ रहा है, एक इसमें 26 आ रहा है। अब इसके बाद हम देख रहेंगे ये जो दशमलव अंक है संख्या है उसे देखेंगे, तो फिर ये वाली बड़ी संख्या है तो इसे पहले लिखेंगे। इसी तरह से हम सजाकर इसे अवरोही क्रम में लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। विश्व के मरुस्थल और इनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहला है कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, यहां देख रहे हैं ये कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें व्यक्त करना है इसे मानक रूप में। और मानक रूप में कैसे होता है कि ये पहला भाग जो हमारा होता है ये 1 से लेके 10 के बीच की दशमलव संख्या होती है, और फिर इसको गुना करते हैं हम 10 के घात से। तो यहाँ 1 से 10 के बीच की जो दशमलव संख्या होगी वो होगी 9.324। तो 9 के बाद और 3 के बीच, 9 और 3 के बीच जब हम दशमलव बैठाएंगे तो इसकी दाहिनी ओर कितने अंक हो गए बच गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां गुना 10 का घात 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अन्य जो क्षेत्रफल दिए हुए हैं उनका मानक रूप भी हम लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़ी संख्या। तो यहां हम देख रहे हैं सबसे पहले 10 के घात को देखेंगे, तो सिर्फ एक ये 10 का घात 6 है, बाकी सभी के 10 के घात में 5 है। तो अब हम दशमलव वाले संख्या को देखते हैं जो कौन सबसे छोटी है। तो यहां देख रहे हैं ये संख्या सबसे छोटी है, 1.554। तो इस संख्या को हम इस मानक रूप को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक इसी तरह से हम बढ़ते क्रम में इसे सभी को सजाते हैं।